चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानेंगे, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक है। इसके अलावा और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे चैनल में, तो चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पूरे वायुमंडल में, मतलब जितना हमारा वातावरण है, उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। तो टोटल 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि अन्य गैसों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे नाइट्रोजन पाया जाता है, उसे उसी रूप में जो है वो उपयोग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। मीन्स जो नाइट्रोजन होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, उसे जो है वो नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में जो है वो चेंज करना होता है। तो ये जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, वही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मतलब नॉर्मली आपके पास नाइट्रोजन है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, उसको हमें नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करना है। तो ये जो आपका प्रोसेस होगा, वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये ऐसा क्यों होता है, हम इसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज क्यों करते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। बट इससे पहले हम इसका जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण को, मतलब वायुमंडल का जो हमारा नाइट्रोजन है, उसका नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में जब हम इसे चेंज करते हैं या रूपांतरण करते हैं, तो ये जो आपका प्रोसेस होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर यौगिकीकरण कहते हैं। यौगिकीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रोजन के जो है वो यौगिक में इसे चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसे हम जो है वो यौगिकीकरण की क्रिया या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है वो कहते हैं। अब चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी किन किन तरीकों से हम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम नॉर्मली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें जो है वो नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड या फिर किसी यौगिक में चेंज करना होता है, आखिर ऐसा क्यों करना होता है, यही सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम दो तरीकों से जो है वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो तरीके बता रही हूँ, वैसे तो और भी तरीके होंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को दो मेथड बता रही हूँ। सबसे पहला है नेचुरली, नेचुरली कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सेकंड नंबर है विद्युत विसर्जन की विधि। तो सबसे पहले हम जो है वो नेचुरली देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नाइट्रोजन युक्त जो खाद होता है, मतलब जो भूमि में पाया जाता है नाइट्रोजन युक्त खाद, जिससे फसल की पैदावार जो है वो अच्छी होती है। तो इसके लिए किसान लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा पौधा उगाते हैं जिससे नाइट्रोजन का खाद जो है वो उन्हें मिल सके। देखिए, अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को नेचुरली हम कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूमिनस फैमिली के पौधों में, लेग्यूमिनस एक फैमिली है जिसके पौधों में जो है वो गांठें उपस्थित होती है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 9th, 10th में, 11th, 12th में, अगर बायो के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होती हैं, उनकी जड़ों में जो है वो गांठें पाई जाती है, और उन गांठों में जो है वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया या फिर राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। तो ये जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसे जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में जो है वो परिवर्तित करते हैं। तो क्लियर हुआ, ये आपका क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या पढ़ा हम लोगों ने, नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम नेचुरली देख रहे हैं प्राकृतिक विधि कैसे करते हैं। लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होते हैं उसमें गांठें पाई जाती है उनकी जड़ों में, और उनकी जड़ों में जो है वो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जो आपका राइजोबियम होता है वो वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देती है, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो है वो चेंज कर देते हैं, और यही आपका प्रोसेस जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जिससे क्या होता है, जो हमारा भूमि होता है उसमें नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। मतलब नाइट्रोजन पहले वायुमंडल में था तो उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तित हुआ, हमारे जो भूमि है उनमें खाद की मात्रा बढ़ गई, मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा बढ़ जाना। तो कई बार क्या करते हैं फार्मर लोग, अपने भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे जो है वो उगाते हैं, ताकि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उससे हमें जो है वो कुछ एडवांटेज मिल सके। तो क्लियर हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो मैं इसे नॉर्मली इसी तरीके से लिख दी हूँ एरो एरो करके, लेकिन अगर आपको
ये जो आपका नोट्स है उसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, तो आप लोग जो है वो ऐसा भी बना सकते हो और नेचुरली विधि करके अलग से पॉइंट डाल करके इसे एक एक पॉइंट करके आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन अगर जैसे एग्जाम में आता है तो इसे आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिल सके, ऐसा भी बना देना। और साथ में थोड़ा 3-4 लाइन करके यही सब चीजों को आपको लिखना है। अब चलिए नेचुरली मेथड तो हम देख लिए, अब विद्युत विसर्जन विधि में देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो है वो स्वतंत्र नाइट्रोजन पाया जाता है, और हम ये भी देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन भी पाया जाता है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसे NO कहा जाता है। क्लियर हुआ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपस में जुड़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो NO2 बनाते हैं, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब ये NO2 जो है वो वर्षा जल के साथ, हमारे वायुमंडल में जो NO2 होगा जब पानी वगैरह गिरेगा तो जो वर्षा जल होगा उसके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे एसिड बन जाता है, जिसे नाइट्रिक एसिड HNO3 या फिर नाइट्रिस एसिड नाइट्रस एसिड HNO2 कहते हैं। समझ आया आप लोगों को क्या क्या हो रहा है, देखिए फिर से बता रही हूँ। वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है वो पहले हमारे वायुमंडल के ही ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के NO2 बनाते हैं। अब ये जो NO2 है जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो वर्षा जल के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, मीन्स HNO3 एंड HNO2। अब क्या होगा, ये जो आपका वर्षा जल है वो क्या हो गया, अम्लीय हो गया, मतलब एसिडिक हो गया। अब ये जो आपका वर्षा जल है वो क्या होगा, जमीन में ही आकर के गिरेगा, जहां पे फसल वगैरह उगा है वहीं पर ही आकर के गिरेगा। तो हमारे जो जमीन की जो मिट्टी होती है उसमें जो है वो चूना भी पाया जाता है, तो उसके साथ कंबाइन होकर के ये नाइट्रेट एवं नाइट्राइड बना लेंगे। मतलब जैसे इसमें हुआ था, यहाँ पे हम जो है वो बैक्टीरिया का यूज कर रहे थे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए, यहाँ पे जो है वो नॉर्मली हो रहा है, मतलब विद्युत विसर्जन विधि के द्वारा पानी जब गिरता है ऊपर से वर्षा होती है तो उसके साथ नाइट्रोजन हमारा आता है, फिर वहां पे ये नाइट्रोजन जो है वो एसिड रूप में आकर के चूना के साथ कंबाइन करके नाइट्रेट एवं नाइट्राइड का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी एक हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहते हैं, और इसी के थ्रू क्या होता है, हमारे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो दो तरीके मैंने आप लोगों को बताया, तो यहां से एक चीज आपको क्या समझ में आया, नाइट्रोजन फिक्सेशन से आप क्या समझे कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका हम देखो ऐसे ही यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड में चेंज किया, इसे नाइट्रेट में परिवर्तित किया, तो हम जो है वो इसका उपयोग जो है वो खाद के रूप में, हमारे जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ रही है, तो यही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब आगे मैं आप लोगों को और भी रासायनिक विधियां बताती हूँ, जिसके कारण जिसका नोट्स आप लोगों को आगे लिखना है। एक चीज कहना चाहती हूँ, केवल इतना ही आपको नहीं लिखना है, ये जो मैं आप लोगों को दो मेथड बताई हूँ इसे आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, मीन्स पॉइंट डाल डाल के जो है वो अलग से पैराग्राफ टाइप भी आप जो है वो लिखोगे तो सही होगा। बस शॉर्ट में मैं आप लोगों को ऐसे ही बताई हूँ, इसे जो है वो जब आप नोट्स लिखोगे तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेना। अब चलिए आगे मैं आप लोगों को रासायनिक विधियां भी बताती हूँ। बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। जो दो तरीका बताई वो तो एकदम नेचुरली था, नेचुरली हो रहा था वो सब प्रोसेस जो है वो। अब यहाँ पे हम जो है वो अमोनिया निर्माण के द्वारा कैसे, देखिए नाइट्रोजन के यौगिक का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन N2 और 3H2 को 450 डिग्री सेल्सियस में 200 वायुमंडलीय दाब पर जो है वो इसे जो है वो गर्म किया जाता है। उसके बाद ये जो है वो 2NH3 और यहाँ पे हीट रिलीज होता है। मतलब ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, बट ये हमारा रासायनिक विधि मतलब केमिकल मेथड के थ्रू जो है वो हो रहा है। लेकिन क्या होता है गाइस कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को मतलब फैक्ट्री वगैरह में बनाना थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ज्यादा चार्जेस लग जाता है, मतलब अत्यधिक ऊर्जा की भी हानि होती है, ज्यादा एनर्जी जो है वो देखिए यहाँ पे रिलीज होता है। तो नॉर्मली हम जो है वो इसे नेचुरली तरीके से करते हैं। नीली हरी शैवाल आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो नीली हरी शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन का सुगमता से स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो नीली हरी शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन का आसानी से जो है वो फिक्सेशन कर लेते हैं। इन शैवालों में नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है
जिसे नाइट्रोजिनेस कहते हैं। ये जो नाइट्रोजिनेस होता है कहाँ पाया जाता है, इन शैवालों में पाया जाता है। इन शैवालों में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और इन एंजाइम को, ये जो एंजाइम होता है वो N2 को NH3 में जो है वो चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। नाइट्रोजन से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के यौगिक में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब चीज आपका जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो नोट्स को थोड़ा सा बड़ा करके आपको जो है वो लिखना है एग्जाम में। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।